तो शिथिलताओं का या दोषों का होना निंदा का कारण नहीं है, यदि व्यक्ति प्रयत्नशील है और अपने दोषों को हटाता जा रहा है। समय लगता है, वो कहने वाला भी है, वो क्या एकदम सब चीजें कर पाया है? अगर किसी ने कर भी दिया है, और वैसे तो किया हुआ नहीं मिलेगा ऐसा कहने वाला। दोष तब है जब व्यक्ति प्रयत्न नहीं कर रहा है और गलत गलत कार्य करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है, कोई खेद नहीं है, कोई प्रयत्न नहीं है, वो निंदा के योग्य है। लेकिन अपने दोषों के रहते हुए भी जो व्यक्ति उन्नति की तरफ जा रहा है, अपने दोषों को हटाने की सोचता है, चिंतन करता है, दूर करता है, व्रत लेता है, प्रायश्चित करता है, लोगों से पूछता है कैसे इसको दूर करूं, मैं दूर नहीं कर पा रहा हूं, वो निंदा के योग्य नहीं है। गिरा हुआ व्यक्ति यदि उठ रहा है, उठने का प्रयत्न कर रहा है, भले ही वो अभी गिरा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है, कीचड़ में है, लेकिन उठने का प्रयत्न कर रहा है, वो निंदा का पात्र कभी नहीं होता है। जो कीचड़ में ही सना हुआ है और वहीं पड़ा रह रहा है, उठने का कोई प्रयत्न नहीं है और कीचड़ में धंसता जा रहा है, उसके लिए कहा जा सकता है कि ठीक नहीं है आपका करना। ध्यान संध्या उपासना तो की ही जानी चाहिए, और वो हमें सहायता देती है, उसमें हमारी सरलता लाती है। जो हमें कठिनाई हो रही है, संघर्ष हो रहा है, कष्ट हो रहा है, अपने संस्कारों को बदलने में, आदतों को बदलने में, वो हमारा कम हो जाता है। सरलता होती है, सहजता होती है, स्वीकार्यता होती है। कष्ट भी होता है अपने संस्कारों को बदलने में, आदतों को बदलने में, तो उसको सहन करता है, प्रसन्नता रहती है कि मैं कर रहा हूं, उस तपस्या में भी, उस कष्ट में भी एक प्रसन्नता होती है कि मैंने ये किया, प्रयास किया, आगे आशा रहती है कि मैं आगे बढ़ूंगा,